वैसे रात के अभी बज गए 9। हर टाइप के दुकान सब कुछ खुला हुआ है अभी भी, देखो सब फ्रेश है। इधर से काट के पानी में धो रहे हैं, फिर मसाला लगा रहे हैं और इधर फ्राई हो रहे हैं साथ ही। मजा रहे वही मजा है ना वही मजेदार वही। उम्मीद करती हूँ आप सब भाई अच्छे। वहाँ क्या था, पेट खराब हो गया? पेट खराब, पेट खराब क्या हुआ है? सीखना रहा आपने, मैं खुद ही डर के नहीं आके पानी की वजह से कल खराब हो गया था, लेकिन मेडिसिन खाया अभी सही है। तो अभी मिस्टर मोइन सिद्दीकी फिश लेके आया, फिश अब्बा के सामने फिश खाया नहीं मैंने अभी तक। कौन सा है भाई? सिंग फिश है। तो सुबह अभी उठ उठ आज लेट भी हो गया, मतलब बॉडी इतना थका हुआ था, सारे पानी निकल के मुझे पानी चूस के निकाला मेरे नीचे से। पेट फाद का खराब हुआ है, लेकिन मेरा 10 पाउंड वजन कम हो गया नजर आ रहा होगा आप लोगों को। चलो अभी बाहर फिश खाते हैं, मोहन नाश्ता लेके करते हैं, फिर फिश खाते सुबह का नाश्ता। इधर चने का इतना हमने आज फिर सालनिया मंगवा लिया। इधर हाँ जी बाहर की रोटियाँ, तंदूर की रोटियाँ मंगवा लिया, साथ ये चटनी और ये फिश। कौन सी फिश है मोहन? सिंग फिश। ये आला इधर बैठी है, अब फाद खा के फिर बताएगा कि ये फिश कैसी है। 6.5 hours later सुबह का नाश्ता करके लेट गया था, कुछ खाया भी नहीं गया। अभी शाम को कितना 8:30 बज गए, पेट खराब अभी थोड़ा सा ही हुआ है, मेडिसिन खाया हुआ लेकिन फिर भी हो रहा है अभी। तो अभी जा रहे चाइनीज खाने, कौन सा जगह का नाम बताओ भाई? न्यू हाई स्कूल के सामने वो गिलगित की ऑथेंटिक चाइनीज, कहते गिलगित की ऑथेंटिक चाइनीज, तो चाइनीजों का है, गिलगित के ऑथेंटिक चाइनीज आया सियालकोट पे। तो अभी जा रहे हैं वो ट्राई शेयर करेंगे, ये भेजा हुआ है मुझे आमिर ने, कहते जाके उधर से ट्राई करी। तो मैंने सोचा अभी तक खाना खाया नहीं है, मैंने कहा उधर चलते हैं फिर। तो हम लोग जाके दिखाते हैं वो घंटा कर उसके साथ है, घंटा कर के साथ ही अपोजिट साइड में। तो आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर मज़ा आया तो हर दिन खाएंगे फिर। कह रही डब्बा में बैठे पीछे बैठे हुए, देखो ना कैसे बैठे हुए सारे एक दूसरे के आगे। पाकिस्तान का यही तो फन है, पाकिस्तान का यही फन है, लेकिन ये इसमें बैठ के पूरा झटका अपने कंट्री का याद आता है, बांग्लादेश का झटका खा कर अभी हम आके पहुँचे हैं। लेकिन मैं जो वीडियो देख के आया था, वीडियो में तो बहुत बड़ा कुछ लग रहा था, लेकिन है ये छोटा सा ठुड्डा, ये मेन्यू है इनका भाई। ये तो भाई गलती हो गया, प्रैंक हो गया हमारे साथ। पर ये मस्जिद का नाम क्या है? जामिया हनफिया मस्जिद के सामने ही है, मस्जिद बहुत ही प्यारा है देखो बाहर से। और ये क्रिश्चियन स्कूल, स्कूल के बाहर ही है ये। लेकिन जो वीडियो इंस्टाग्राम की वीडियो देख के हम आए हैं, इतना बड़ा चीज़ ये वो, मैंने कहा वाह गिलगित की, ये क्या है? इधर तो कोई है भी नहीं, खाली है पूरा। तब इधर से चलो आ गया, तब ट्राई तो करना पड़ेगा। वो अभी इस जगह छोड़ के हम जा रहे हैं शाहपुरा फूड मार्केट या फूड स्ट्रीट ना, क्योंकि ये प्रैंक हो गया, देख के आया था कुछ और, कोई लोग है भी नहीं, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा क्या नहीं, अभी वेस्ट होगा पैसा। तो सब ने कहा चलो उधर चलते, इन लोगों को ज़्यादा पता है मुझसे, मैं तो ये इंस्टाग्राम का वीडियो देख के आया था, लेकिन बकवास निकला। आमिर क्या भेजा भाई, ये प्रैंक हुआ है। हाँ तो अभी उधर चलते, उधर कहते ये फूड स्ट्रीट है, बहुत टाइप के खाने हैं। तो मैंने कहा चलो उधर ही चलते फिर। वैसे रात के अभी बज गए 9, हर टाइप के दुकान सब कुछ खुला हुआ है अभी भी, देखो बिजी। कपड़ों की इधर कपड़ों की दुकान ज़्यादा है, कपड़े और फूल इन दो चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो पहुँच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे, ये है कराची वाले देसी चाइनीज़, और बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, पराठा रोल बारबेक्यू ये सब कुछ है, और बारे बारबेक्यू का सेटअप भी लगे हुए हैं। देखो आसपास बहुत सारे बारबेक्यू का सेटअप है, मतलब खाने का फूड स्ट्रीट है, इतना अच्छा स्मेल। तो आज इधर से शुरू करते हैं कराची वाले से, देखता हूँ कैसा खाना है इनका। अंदर आ गए हम अभी, मुझे लगता है चाइनीज और रेगुलर के लिए सेम ही है बैठने का। और रायत सो गई थी, उठ गई अभी। प्ले एरिया किधर है? प्ले एरिया ऊपर ऊपर, वही स्टेप का सीढ़ी है, वो होता है भूत बंगला, होता है ना भूत बंगला, कहते ऊपर ऊपर बैठने की जगह है। अरे आगे ऊपर खाना ऑर्डर कर दिया हमने, देखो इधर वैसे ढाका चिकन भी है, ढाका चिकन ट्राई करना है। ढाका किधर से आ गया, हमें ट्राई करना चाहिए वैसे ढाका, पता नहीं क्या है, लेकिन इधर बच्चों का खेलने का भी जगह भी है इधर पीछे। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है टेम्पुरा चिकन, इनका चाहिए तो टेम्पुरा श्रिम्प रखना है ना, कोई नहीं हम ट्राई करते हैं। अभी हर जगह इधर वैसे बीफ या मटन है नहीं, बीफ मटन का ऑप्शन है नहीं, तो हमने चाइनीज ऑर्डर किया और बारबेक्यू रेगुलर बारबेक्यू खा के अभी देखते हैं कैसा क्या है।
तो चाइनीज के प्लेटर आ चुके हैं अभी और ये हंडी है, अभी लेफ्ट ओवर है, अभी चाइनीज और नहीं है, रखो चाइनीज यही है, चाइनीज यही है, लेकिन दूसरा बारबेक्यू वो आने लगे अभी। ये नान और बारबेक्यू भी साथ आ गए हैं। ये क्या, ये वही 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 कबाब, बहुत लंबा है। अबे साले, मैंने अपने लिए ये पराठे रोल भी मंगवाए थे, ट्राई करके देखता हूँ। चिकन है, मेरा मुंह का इंप्रेशन देख के ये बंदा क्या मजेदार है, मजेदार है। वैसे ये हम नया चीज ऑर्डर करने गए, ये क्या हंडी, ये क्या है, कबाब हंडी। मेरा पूरा हाथ ही चला गया मुंह के अंदर, समझ रहे हो। ये भी अच्छा है, लेकिन ये खा के देखो, अच्छा ये ज्यादा मजेदार है। हंडी भी अच्छा है, लेकिन ये टॉप क्लास है। खाना हो गया है ख़त्म, सबसे अच्छा वही था, क्या कहते था, चिकन बिहारी रोल, बिहारी रोल मस्त था, मस्त मुझे अच्छा लगा। बिहारी रोल था वो, हाँ चिकन बिहारी रोल स्पाइसी। अभी नेक्स्ट चाइनीज भी है, नेक्स्ट मीठा शीठा कुछ लेंगे, लेकिन चाइनीज लिया था सो था, उतना सही नहीं लगा। अभी हम जाते, हमारा नेक्स्ट स्टॉप है जी रस मलाई खानी है। कौन से किधर जाना भाई, रस मलाई खाने? वैसे सुबह से मैं रस मलाई छोड़ रहा हूँ खाना। नहीं मुझे नहीं खानी गंदे, सबके लिए पैक करके लेके आऊंगा, तभी निकलने लगे। खाना शाना हमने खा लिया है, $5,000 कह रहे हो, 5,000 रुपीज बना हुआ है, बना है आई मीन। तो अभी जा रहे हैं प्राइस लेने, सारा कहते हैं प्राइस चाहिए उसके, अभी प्राइस लेने के। ये है प्राइस वाले हैं, ओ ये तो साथ ही था भाई, इसे बाइक लेने की क्या जरूरत था। ये देखो प्राइस का सेटअप, गर्म 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 प्राइस बने जा रहे हैं और सबको दे जा रहे हैं। मसाला प्राइस है, रेगुलर प्राइस भी लोग ले सकते हैं। इधर देखो लोग बहुत बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग लाइन में लगे करके खा रहे हैं। प्राइस फेमस है बहुत, सब फ्रेश है, इधर से काट के पानी में धो रहे हैं, फिर मसाला लगा रहे हैं और इधर फ्राई हो रहे हैं। साथ ही प्राइस ले लिया हमने, और एक चीज़ देखा, इतने लोग, बहुत ज़्यादा लोग था, प्राइस था ना, ये सियालकोट के बेस्ट प्राइस वाला है। तो इन सब ने कहा कि ट्राई करके देखो, तो मैं वीडियो भी जब बना रहा था सब लोग देख रहे हैं मुझे, मैंने कहा कोई आके पूछे भाई कौन है तू, किसी ने पूछा नहीं, चलो कोई बात नहीं। पीछे आके अल्लाह के नाम पे, पीछे आके ही मुझे डरा देखा, अल्लाह के नाम पे मैं तो डर ही गया था। वैसे बहुत ज़्यादा रास्ता इनके पास, अभी फ्राइज खा के चेक करते हैं कैसा है। तो अभी घर जाने लगे, फ्राइज खाया है, मज़ेदार फ्राइज है, मैंने एक पीस खाया, ऑयल है ना इसलिए खाता नहीं हूँ ज़्यादा। तो अभी रसमलाई लेंगे, रसमलाई तो पहले घर जाएंगे, घर के उधर फिर जाएंगे रसमलाई लेने, वो भी कई लोग कह रहे बहुत फेमस है, खा के देखो, मैंने कहा चलो देखते हैं। तो अभी हम निकले हैं रसमलाई लेने, सालू गुज्जर की गली है उधर, और फालूदा भी लेना है, वो फालूदा की तरफ से रिसेंट रिसेंट के फालूदा, सालू गुज्जर की गली से रसमलाई, दोनों साथ साथ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा ट्राई, अभी ये ट्राई करते हैं मीठा। पहुंच गए हम अभी डिसेंट, इधर अंदर से बैठने के भी जगह है, और फालूदा हमने ऑर्डर किया हुआ है, इधर से पहले से खाते होते थे ना, डिसेंट से। ये आ गया रसमलाई जो के दुकान के सामने, ये देखो जरा खुले पड़े हुए हैं। रसमलाई भी ले लिया हमने और फालूदा भी ले लिया। रसमलाई का बोल जो था बहुत बड़ा था, सारे लोग अभी भी लोग बाहर खड़े हुए लेने के लिए। अभी रात को कितना 12:30 बज गए, अभी घर जाने लगे, इसको ठंडा करके फिर ट्राई करके बताएंगे आप लोगों को टेस्ट कैसा है। तो 12 बजे भी खुला हुआ है फिश मार्केट, इधर के फिश अभी भी बना रहे और लोग ले भी रहे इतने रात को। वैसे दिन के टाइम ज़्यादा होते हैं ना, इस पूरा गली में होता है, अभी बहुत कम है, लेकिन फिर भी अभी भी खुला हुआ है, ज़्यादा दुकान अभी बंद हो चुका है। घर के सामने आ गया ऑलमोस्ट, इधर टिक्के कबाब के लिए कितने लोग साइड से रोड पे बैठे हुए हैं, और इस साइड में खाना लग ही जा रहा है। मतलब देख रहा हूँ रात के 12:30 भी लोग खाने के लिए बैठे होते हैं इधर, बताओ जरा। चलो जी अभी रसमलाई की बारी है, खा के बताओ कैसी है। रात के 3 बज गए, बहुत ज़्यादा थक गए। वैसे आज बहुत खाना ट्राई किया हमने बाहर से, मज़ा आया, मज़ेदार खाना था। और कार जाने लगे हेड मराला ना, हेड मराला के फिश, पहली दफ़ा फ़िश खाऊंगा। आज सुबह खाया था वैसे फ़िश, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, वो बकवास स्मेल वाला था। तो कल जाएंगे हेड मराला, तो लाइट कुछ नहीं होना, कहते हेड मराला फ़िश खाने जाएंगे कल। और वैसे भी थोड़ा
स्ट्रीट फूड और ट्राई करेंगे, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें आपको सबको दुआओं में याद रखना और मिलते हैं आपको।